पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 13 सितंबर को भाजपा ने ममता सरकार के खिलाफ विरोध मार्च नबन्ना अभियान चलाया था। इस दौरान पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में और हावड़ा जिले के आसपास हिंसा भड़की थी। ये हिंसा इसलिए हुई क्योंकि पुलिस ने ये विरोध मार्च रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस पर भी हमला हुआ था। हिंसा की इन घटनाओं को मीडिया ने कवर भी किया, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाने लगा कि रैली के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया। आज तक ने हिंसा की घटनाओं को कवर करते हुए कुछ फुटेज चलाई थी। इनमें ये वीडियो क्लिप भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ममता बनर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को पुलिस पर पथराव करने के लिए भेजा था, ताकि बाद में इसका आरोप भाजपा पर लगाया जा सके। ये क्लिप भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव तजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने भी ट्वीट किया। ऐसे ही दावे के साथ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री देबाश्री चौधरी और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज ने ये वीडियो ट्वीट किया। हालांकि वीडियो में दिखने वाले व्यक्तियों की पहचान किस वजह से टीएमसी कार्यकर्ताओं के रूप में की गई, ये तो भाजपा नेता ही बता सकते हैं। इंडिया टुडे के प्राइम टाइम शो में राजदीप सरदेसाई ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पुनावाला से वीडियो में पथराव करने वाले शख्स के बारे में पूछा, जिस पर शहजाद पुनावाला ने ये बयान दिया। In the first visual, and I hope visuals don't cloud your vision, if yes. you look at it frame by frame, it doesn't look like a BJP कार्यकर्ता at all. Look at that. News 18 India के शो में अमित मालवीय ने इस पूरी घटना के बारे में ये बयान दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमित मालवीय का टीएमसी पर बड़ा हमला हुआ है। बंगाल में टीएमसी ने हिंसा की कार्रवाई की है, ये आरोप अमित मालवीय की तरफ से लगाया गया है। दरअसल टीएमसी ने बीजेपी पर हिंसा का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में अमित मालवीय ने टीएमसी पर बड़ा हमला बोला है। बंगाल में टीएमसी ने हिंसा करवाई है, ये अमित मालवीय का बड़ा बयान सामने आया है। टाइम्स नाउ ने भी ब्रॉडकास्ट करते हुए कुछ ऐसा ही दिखाया। आज तक ने भी टीएमसी बनाम बीजेपी युद्ध बताते हुए ये क्लिप बार बार चलाई है। नबन्ना अभियान रैली को रिपब्लिक बांग्ला ने काफी अच्छे से कवर किया है। इसके YouTube चैनल पर रैली की फुटेज अपलोड की गई है। इसे ध्यानपूर्वक देखने पर हमने पाया कि पुलिस की गाड़ी पर ये लोग पथराव कर रहे हैं, वहीं ये शख्स गाड़ी के सामने भाजपा का झंडा लहरा रहा है। इसी फुटेज में आगे ग्राउंड रिपोर्टर कहता है कि गुस्से में आए भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी। रिपोर्टर कहता है कि स्थानीय व्यापारी भाजपा कार्यकर्ताओं पर पथराव कर रहे थे। वहीं इस वीडियो में टोपी पहना ये शख्स यहां दिख रहा है। फुटेज में दिख रही घटना के दृश्य वायरल वीडियो में भी दिख रहे हैं। रिपब्लिक बांग्ला के वीडियो में 13 मिनट के बाद टोपी पहना ये शख्स दुकान में कुछ सामान डालते हुए दिख रहा है। हालांकि इस पूरी घटना की क्रोनोलॉजी समझने के लिए ऑल्ट न्यूज की टीम से इंद्रदीप भट्टाचार्य और शिंजनी मजूमदार घटनास्थल पर पहुंचे। चितपुर क्रॉसिंग के नाम से पहचाने जाने वाले महात्मा गांधी रोड रविंद्र सारणी जंक्शन से 50 मीटर की दूरी पर पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी गई थी। यहां से कुछ ही कदम दूर मशहूर बिरयानी की दुकान रॉयल इंडियन होटल है। ऑल्ट न्यूज ने यहां के 5 दुकान मालिकों से बात की। इन्होंने रैली के दौरान हुई हिंसा के वक्त किसी भी टीएमसी कार्यकर्ता के मौजूद होने की बात से इनकार किया। हमने उन्हें वायरल वीडियो क्लिप दिखाई तो उन्होंने पहले सांप्रदायिक टोपी पहने शख्स को स्थानीय व्यक्ति बताया। हालांकि थोड़ी और बातचीत के बाद उन्होंने हमारी टीम को बताया कि यह शख्स एक स्थानीय दुकान में सहायक है, और ये बात आगे दिखाई गई वीडियो क्लिप से भी साफ हो जाती है। इन दुकान के मालिकों में से शाहजहां और मुन्ना भाई ने हमसे ऑन रिकॉर्ड बात की। गौर करें कि प्रदर्शनकारियों से छुड़ाकर शाहजहां घायल एसीपी को मुन्ना भाई की दुकान में ले गए थे। मुन्ना भाई ने ऑल्ट न्यूज को कहा, उस दिन इस एरिया में कोई टीएमसी का आदमी नहीं था, हमारा शटर नीचे था, लेकिन हम आसपास ही थे। बीजेपी का मार्च एमजे रोड से गुजरने वाला था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों का पीछा किया और रविंद्र सरानी में घुस गए। उन्होंने उन पुलिस वालों को टारगेट किया जिनकी संख्या भी कम थी। जब जीप में आग लगा दी गई तो हम अपनी दुकानों को लेकर डर गए और जवाबी कार्रवाई करने का साहस जुटाया। हमने ही प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ा।
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से भी मुन्ना भाई की ये बात सच साबित होती है कि प्रदर्शनकारी अचानक से रविंद्र सारणी में आ गए थे। शाहजहां ने इस घटना के बारे में हमसे कहा, दोपहर 2:56 पर जीप को आग के हवाले कर दिया गया था। पुलिस अधिकारी पर करीब 3:12 पर हमला किया गया। हम ये सोचकर घबरा गए कि कहीं ये आग हमारी दुकानों में न फैल जाए। फिर हम यहाँ इकट्ठा हुए और बीजेपी प्रदर्शनकारियों पर नारेबाजी की, जिसके बाद वो पीछे हट गए। वायरल फुटेज देखकर शाहजहां ने सांप्रदायिक टोपी पहने इस शख्स को स्थानीय व्यक्ति बताया और कहा कि इसने प्रदर्शनकारियों द्वारा फेंके गए पत्थर को ही वापस उठाकर फेंका था और कई दुकानदारों ने भी वैसा ही किया, जिस वजह से प्रदर्शनकारी पीछे हट गए। शाहजहां ने बताया कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से पुलिस कर्मी को प्रदर्शनकारियों से बचाया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी शाहजहां की बात कंफर्म करती है। रिपब्लिक बांग्ला की लाइव रिपोर्ट और ऑल्ट न्यूज की टीम द्वारा घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों से हुई बातचीत से भाजपा नेताओं का दावा गलत साबित होता है। वायरल क्लिप में टीएमसी कार्यकर्ता पथराव नहीं कर रहे थे, बल्कि वो स्थानीय लोग थे जो अपनी दुकानों को बचाने के लिए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश कर रहे थे।